नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल विवेकानंद स्टॉक्स में दिल से। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलना, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो सके। तो बातों को ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधा पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का व्यू 13 सितंबर का। ठीक है, मेरा खुद का स्टॉक मार्केट व्यू है, ध्यान सुनना। निफ्टी के खासकर जो 18,000 का लेवल था ब्रेक और यहाँ पर मेक का सवाल है। यहाँ से मार्केट कभी भी एक न्यू हाई की तरफ जा सकती है और नीचे भी गिर सकती है, लेकिन ये सब चीज़ें एक पॉसिबिलिटी होती है। लेकिन मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताता हूँ, ठीक है। आप मारो गोली कि लॉन्ग क्या करना है, शॉर्ट क्या करना है, आप फोकस करो ट्रेडिंग में, ठीक है। आई नो अभी मैंने पहले वीडियो बनाया था, मैंने आपको मना किया था ट्रेडिंग करने से, लेकिन अगर आपको सीखना है तो सिर्फ ऑब्जर्वेशन में रखो जो मैं आपको बातें कह रहा हूँ, क्योंकि जितना आप ऑब्जर्व करोगे उतना ज़्यादा आप सीखोगे, देन आप 1% की कैटेगरी में आओगे, ठीक है। लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ एक महीना इन्वेस्ट करके ही, मतलब ट्रेड करके ही अच्छा खासा कमा लूँगा, वो गलत माइंडसेट है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है ट्रेडिंग करने में, इसलिए आपको मैं सजेशन करता हूँ उसको दूरी बना के रखो। लेकिन क्या करें ना, अब मजबूरी यही है कि यार लोग ना निफ्टी और एंट्री के लेवल्स को डिमांड करते हैं, क्योंकि लोग को मजा आता है ये करने में। अच्छा भाई, लोगों की डिमांड है, व्यूज़ आते हैं, तो डेफिनेटली वीडियो बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा, ठीक है। इनके बेसिस में करोगे तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होगा वो आपके फेवर में रहेगा, और आप एक प्रॉपर प्लान को फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं आपने कभी ये प्लान फॉलो किया, कभी वो प्लान फॉलो किया, इसमें प्रॉपर रिसर्च है और रिसर्च के बेसिस में आपको ये नंबर्स दे रहा हूँ, मतलब लेबल्स दे रहा हूँ, तो बहुत सी जगह से काम करेंगे। पहले बात करते हैं बेसिक चार्ट पैटर्न की। आप डेली देख सकते हैं, मैंने निफ्टी का चार्ट खुला हुआ, आई थिंक हाँ निफ्टी का ही है, ठीक है। और ये यहाँ पर लगातार, ये देखो उसका जो ऑल टाइम हाई ये है, और यहाँ पर ये एज अ रेजिस्टेंस काम किया, ठीक है, इसके ऊपर ये क्लोज कर चुका है। अब यहाँ पर देखो ये 18,000 का लेवल, अगर ये कल तोड़ पाता है, ठीक है, तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ी और एक तेजी आई जो इसको 18,400-18,500 लेके जा सकती है, समहाउ ये हाई भी तोड़ सकता है। लेकिन आप उसको फोकस ना करते हुए आप ट्रेनिंग के जो लेवल्स होते हैं उनको फोकस करें, जो अभी आपको उठाने वाला हूँ। और निफ्टी बैंक आप लोग देख सकते हैं, ये क्वालिटी बुलिस है, क्योंकि यहाँ इसने ब्रेकआउट कर दिया, देखो यहाँ पर, और जब से ब्रेकआउट किया इसमें तेजी आने में लगी, ऊपर की तरफ भी जा रहा है, ठीक है। तो निफ्टी की कंपैरिजन निफ्टी बैंक में ज़्यादा हमें तेजी देखने को मिल रही है, साफ चार्ट में दिख रहा है। लेकिन आप क्वेश्चन आता है कि भैया इंटरडे में क्या करें वो बताओ, तो इंटरडे में देखो ये लेवल्स मैंने प्लॉट कर रखे आप लोगों के लिए, इसके हिसाब से काम करोगे तो बढ़िया रहेगा। अगर निफ्टी बैंक को आपको 12 सितंबर में बाय का मौका मिलता है तो 40,675 के ऊपर मिल सकता है, एंड 40,787 का आपका टारगेट रहेगा। अब अगर कैसे स्टॉप लॉस क्या लगाना है, तो ये इन दोनों का जो गैप रहेगा उन दोनों का ही आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब 1:1 का फिक्स रिपोर्ट रेशियो है। ये बाद में आपको बताऊंगा, जो स्टॉप लॉस है वो छोटा सा होने वाला है, बाद में आपको दूंगा, ठीक है। अभी आप इसको ही एज अ स्टॉप लॉस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। अब बाय कैसे करना है, जब 1 मिनट के टाइम में क्लोज कर दे इस प्राइस के ऊपर जो बाय प्राइस है, ठीक है। अगर मार्केट सपोर्ट और रजिस्टेंस के बीच में डोलती है तो कल का जो रजिस्टेंस एरिया इंटरडे का 40,615 एंड बिलीव मी सपोर्ट रजिस्टेंस बहुत से तरीके से काम करते हैं मार्केट में, तो इनको आप प्लॉट कर लेना या पूरे नंबर्स को प्लॉट कर लेना, यू विल सी द मैजिक, ठीक है। सेल करना है, सेल एक्टिवेट होगा अगर मार्केट कल गिरती है तो 14,470 के नीचे हमें सेल करना है, 40,275 का हमारा इमीडिएट टारगेट रहेगा। एनएफटी बैंक का जो सपोर्ट है वो है 14,495 के आसपास का, ये निफ्टी बैंक के लेबल्स हो गए। अब निफ्टी के लेबल्स की तरफ बढ़ते हैं, तो निफ्टी के लेबल्स दे रहे आप इसको बाय कर सकते हो 17,967 के ऊपर, और 18,011 का आपका टारगेट रहेगा। और ये ध्यान रखना है जो टारगेट पॉइंट है ना वो एज अ रेजिस्टेंस भी काम करते हैं, ठीक है। वो उसके बारे में किसी और दिन आपको चर्चा बताऊंगा, ये रेजिस्टेंस का काम क्यों करते हैं, ठीक है। उसका एक रीजन है, बहुत तगड़ा रीजन है। और जो सेल एक्टिवेट होगा वो 17,940 इंच होगा, 17,859 का टारगेट रहेगा, सपोर्ट बनता है 17,915 के आसपास, ठीक है। तो ये आपके लेवल से कल के निफ्टी और बैंक निफ्टी के, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और इसी तरीके से अगर आप चाहो तो मैं आपको दूसरे लेवल से दे सकता हूँ स्टॉक के, अगर आप चाहो तो, ठीक है। और ये लेवल्स काम करते हैं, आपको एक बार लाइन में ड्रॉ करके देखना चार्ट में, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग करते हो सच में तो, ठीक है। अगर नहीं करते तो उससे ऑब्जर्व भी करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इतना मैं आपको बोल देना चाहता हूँ। नंबर को प्लॉट कर लो, बाकी मिलते हैं आपको अपनी अगले वीडियो में। अगले बार, टेक केयर, गुड नाइट।